हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब मस्त होंगे। और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दीपाल इस ब्लॉग में। तो आप सबको पता है कि हम लोग रूम चेंज कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे रूम चेंज जो आगे का वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने अलमीरा है, बाकी सारे बॉक्सेस हैं, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सबको अच्छे से कर दिया है पैक। ये देखिए आपके सामने है सब। इनके बॉक्सेस नहीं थे तो हमने इनको ऊपर से मोटे मोटे जो आते हैं ना, वो बबल्स वाली जो पॉलीथीन आती है, उनको सब पैक कर दिया था। टीवी पैक हो चुका है, इन्वर्टर उतर चुका है। यहाँ देखिए कैसे सामान भरा पड़ा है पूरे रूम में। तो यहाँ पर ये लोग आ चुके हैं, करेक्ट 10:10 थे तब आ गए थे ये लोग, और आराम से इन्होंने सारा सामान उतारने लगे हैं। तो पहले नंबर लगाया बेड का, क्योंकि बेड सबसे ज़्यादा जगह कवर करता है। तो बेड से इन्होंने स्टार्टिंग करी है, और दो तीन लोग आए हुए थे एक्स्ट्रा, दो लोग ड्राइवर थे और दो लोगों को एक्स्ट्रा कर रखा था हम लोगों ने सामान उठाने के लिए, क्योंकि इतना हैवी हैवी सामान था तो कैसे उतरता है ऊपर से, और वहाँ भी ऊपर कई पोर्शन है। तो इस चक्कर में फिर इन लोगों को बुलाया था। तो बहुत हैवी बेड है ये, तो यहाँ पर से इन्होंने उतार के नीचे रख दिया, और नीचे इन्होंने लोडर लगा लिया था तो बस उसमें आराम से उतरता रहा और ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। इजीली सारा सामान उतर गया, क्योंकि बीच में से जो भैया घर में, तो इन्होंने बीच में से ऐसी जगह बना रखी है, यहाँ पर से सामान आराम से उतर भी जाता है और चढ़ भी जाता है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो ये लोग पहले अलमीरा को सीढ़ियों से ले जा रहे थे, बट सीढ़ियाँ थोड़ी सी पतली हैं, तो फिर उन्होंने वहीं से जहाँ से बेड को उतारा था, फिर वहीं से आराम से उतर जाता, सारा सामान उतर रहा था। तो अलमीरा का नंबर सेकंड नंबर पे लगाया, पहले बेड को चढ़ाया था, फिर अलमीरा को चढ़ाया, और अलमीरा ने उल्टी तो फिर उन्होंने वॉशिंग मशीन उठा के उसमें रख दी है। वॉशिंग मशीन के अलावा मुझे तो नहीं लग रहा अब इसमें कुछ आएगा। और फिर इसके बाद इन्होंने शायद छोटा छोटा जो सामान है वही रखेंगे इसके ऊपर, क्योंकि इतने ही सामान में पूरा जो लोडर है वो फुल हो गया था। तो जो लोहे वाली अलमीरा थी ना, तो वो उन्हें पापा ने बोला इसको रख दो, इसे साइड से ही आ जाएगी, इसके ऊपर और सामान भी आ जाएगा। तो इसको रख दिया है इन्होंने वहाँ पर। और इसके बाद जितनी भी पेटियाँ थी, जो छोटा मोटा सामान था, वो सारा ऊपर से जितना भी आ सकता था वो इसमें सारा लगा दिया था। और जो शूज़ के डिब्बे थे, जो कार्टन्स थे, जो पैक किए थे हमने। तो बड़ा वाला लोडर जो था वो पूरा फुल हो गया, अब छोटा वाला लग गया है, तो इसमें फ्रिज पहुंचा दिया है इन्होंने, अब कूलर जा रहा है, और जितना बड़ा बड़ा सामान है पहले वो रख देंगे, उसके बाद जितने कार्टन से सारे वो रख देंगे, जितना भी आ पाएगा इसमें। और मुझे लग रहा है एक चक्कर और लगेगा अभी, तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल मुझे तो नहीं लग रहा है इसमें जा पाएगा, क्योंकि अभी गमले वगैरह रह गए हैं, 10-12 गमले भी हैं, उन्हें भी जाना है। और आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको ले चलूँगी वहाँ जहाँ हम लोगों ने नया रूम लिया है, जहाँ हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, दोनों रूम हमने अच्छे से खाली कर दिए हैं, पूरा सब साफ भी कर दिया है थोड़ा बहुत, और ये रूम भी खाली हो चुका है। यहाँ उन्नति घूम रही हैं, अपनी चिची खा रही हैं, और यहाँ पर हमने मंदिर बनाया हुआ था तो इसे भी हमने खाली कर दिया है। और ये छोटा मोटा सामान रह गया है, ये जो हम लोग लास्ट चक्कर लगाएंगे उसमें जाएगा हमारे साथ। तो यहाँ से निकल गए थे ये लोग 11:30 बजे सामान लेके, और उन्नति के पापा गए हैं साथ में, और अब क्या कहते हैं, जब वो आएंगे तो एक चक्कर और लगेगा, फिर हम लोग फाइनली चले।
तो यहाँ पर उन्नति के पापा आ गए हैं, और दोनों तो नहीं आए हैं, एक लोडर आया है क्योंकि एक का तो एक ही ज़रूरत थी, अब तो एक ही को लेके आए हैं छोटे वाले को। इसी में सामान सारा आ जाएगा जितना भी रह गया है। उन्नति भी यहाँ पर रेडी घूम रही हैं जाने के लिए, और उन्नति को देख रही है कि मम्मा हमारा सारा सामान कहाँ जा रहा है। और ये देखिए धीरे धीरे सारे गमले भी उन्होंने पहुँचा दिए हैं, और मैंने कहा भैया धीरे धीरे पहुँचाना क्योंकि बड़ी मेहनत से लगाए हैं, इतने बड़े किए हैं, इनको बहुत सींचा है। तो फिलहाल आराम से पहुँच गए थे, और ये साइकिल रह गई अभी, और बाथरूम भी देखिए खाली हो गया है, सारा सामान खाली हो गया है। मैंने पूरा घर अच्छे से क्लीन भी कर, और यहाँ पर ये डस्टबिन जितना गमले वगैरह सब थे सब रख दिए हैं। उन्नति की चेयर भी रख गई है, सारा सामान रख गया है, और फिलहाल हम लोग बस जा रहे हैं, निकलने की तैयारी है हमारी। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने नए घर में जहाँ पर हम रहेंगे, तो मैं आपसे मिलूँगी वहीं पर। तो बस बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ, जो हमारा नया हाउस है जो हमने रेंट पे लिया है वहाँ पर, और मेरे हाथ में है लड्डू गोपाल जी। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आ चुके हैं अपने नए नए घर में, और सामान देखिए हमारे पीछे कितना सारा भरा हुआ है, पता नहीं मैं कैसे सेट करूँगी इसको, कितना टाइम लगेगा मुझे। और देखिए इधर उन्नति और उन्नति के पापा दोनों आराम फरमा रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, हेलो बोलो भाई, उन्नति के पापा से हेलो। देखिए और सामान पूरे में भरा पड़ा है हमारा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा घर दिखा देती हूँ अपना। देखिए ये हमारा किचन है, पीछे भरा पड़ा है। तो एक रूम ये है, और एक रूम ये है दूसरा वाला, तो टू रूम सेट है ये। तो इसमें हम कुछ भी पूजा घर वगैरह बना सकते हैं। वॉशिंग एरिया पीछे है, तो जहाँ पर हम वॉशिंग मशीन रख सकते हैं अपनी। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सामान हमने खोलना शुरू कर दिया है क्योंकि फिर बहुत टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा गर्म हो रहा था तो हम लोगों ने सोचा कि पहले कूलर ही लगा लेते हैं, क्योंकि एक विंडो है पीछे यहाँ पर, तो देखते हैं कहाँ पर लगेगा, या अंदर से आएगा या बाहर से आएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने कूलर ही खोला है, और बाकी देखते हैं कहाँ पर लगाना है इसको, विंडो पर या अंदर रूम में। तो बस आप लोग देखते रहिए कैसे चल रही है हमारी। तो आज उन्नति जल्दी उठ गई थी क्योंकि सामान जल्दी हम लोगों ने पैकिंग करना शुरू कर दिया था, तो ये सो गई हैं इस टाइम आके। तो हम लोगों ने सोचा जब तक ये सो रही है तब तक फटाफट से काम थोड़ा सा निपटा लेते हैं। और एक जो एक्स्ट्रा वाला जो मैट्रेस था वो हमने डाल दिया है, बेड वाले नहीं डाले हैं अभी क्योंकि सामान रखना है इसमें। और ये पूजा घर ठीक करने लग गए थे, बोले कि मैं पूजा घर ठीक कर रहा हूँ। तो यहाँ जो पीछे बालकनी है इसमें हमने तुलसा जी का पौधा रख दिया है क्योंकि जल चढ़ाना होगा मॉर्निंग में, तो इस चक्कर में नीचे ही रखा है इनको। और यहाँ पर हमने लगा दी है वॉशिंग मशीन क्योंकि यहाँ पे टैप दी हुई है तो इजी हो जाएगा, वॉशिंग एरिया बना रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर मशीन लगा दी है। हमने पहले जो सामने सामने चीज़ें दिख रही थी ना उनको हटाया, हमने सोचा कि थोड़ी सी जगह हो जाएगी। और किचन में भी मैंने थोड़ा थोड़ा सामान लगा दिया, जैसे चीनी है, चाय की पत्ती, क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत तो आते ही पड़ गई। और क्या कहते हैं, मैंने हम लोगों ने चाय बना के पी भी ली है, थोड़ा सा एनर्जी आ गई चाय पीने से। और गैस भी हमने लगा दी, और यहाँ पर हमने आटे की जो टंकी थी वो रख दी है, सिलेंडर है, और एक उसमें वाटर कूलर में चिप्स वगैरह रखे हुए हैं। तो ये सब सामान मैंने लगा दिया है। ये मशीन, ये मिक्सी वगैरह के सारे बॉक्सेज मैंने ऐसे ही रख दिए हैं क्योंकि अभी इनकी ज़रूरत नहीं है, खोल लिया जाएगा। तो फिलहाल अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि जितना सामान कम हो सके उतना हम कर लें, बाकी का बाद में देखी जाएगी, धीरे धीरे करते रहेंगे। तो जो बड़ा बड़ा जो सामान था वो थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया है, और ज़्यादातर कर्टेंस हो भी गए हैं। तो यहाँ पर देखिए मंदिर भी इन्होंने लगा दिया है अच्छे से क्लीन करके, साफ़ करके पूरा। तो यहाँ ये हमारे कर्टेंस हो चुके हैं खाली, और जितने भी खाली हुए हैं वो सारे यहाँ लगा दिए हैं, कूलर का है, टीवी का है, और जो एक्स्ट्रा सामान था वो भी सब हमने बेड में लगा दिया है। तो वो भी पेटियाँ और कार्टन्स खाली हो चुके हैं, तो वो इस कमरे में हमने रख दिए हैं साइड से,
जिससे कि बाहर थोड़ा खाली हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने बेड में भी काफ़ी सारा सामान रख दिया है, जो ये गद्दे वगैरह थे और ब्लैंकेट्स हैं, पिलो एक्स्ट्रा हैं, वो सब रख दिए हैं। जितने भी वूलन कपड़े थे, उनके बैग्स थे, वो भी सारे मैंने बेड में रख दिए हैं। तो चलिए फ़िलहाल अब हम अपना ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे कि मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।